इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन की वजह से या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसमें स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में ये पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से, तो अगर आप किसी भी पार्टिकल को किसी भी पोजीशन पे लाकर रख रहे हो तो उसके लिए आपको एक्सटर्नली कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो जो एक्सटर्नल वर्क उसके ऊपर किया जाता है वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है, और इसको आप किसी हाइट पे लेके जाना चाह रहे हो, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, जिससे कुछ वर्क करना पड़ेगा आपको, और वो जो वर्क किया जाएगा वो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि आपने पोजीशन चेंज कर दी ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, और वो जो चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में ये उस वर्क डन के बराबर होगा जो एक्सटर्नली इस सिस्टम के ऊपर किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आपको सिंपली एक काम करना है, उसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना है कि उस सिस्टम के ऊपर कितना वर्क किया गया है। जो भी एक्सटर्नल वर्क सिस्टम पे किया जाएगा वही सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि जो भी एक्सटर्नली आपने वर्क किया है सिस्टम के ऊपर, मान लो कि किसी सिस्टम के ऊपर आपने डीडब्ल्यू वर्क किया, तो ये जो डीडब्ल्यू वर्क है ये क्या करेगा, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो वर्क किया जा रहा है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। यहां पे ये माना जा रहा है कि पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म्स में ये फॉर्मूला आपको लिखना है, अभी तो मैंने वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में रिलेट करके बताया कि एक्सटर्नली जो वर्क किया गया है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स की टर्म्स में अगर इस फॉर्मूले को लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे वो समझना आप। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड लेवल पर रखा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो वाला फोर्स होता है जिसके थ्रू किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाऊं या नीचे की तरफ मूव करूं, तो अगर मैं इस कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं तो इसके थ्रू जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि किस पाथ के थ्रू आप इस ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके जा रहे हो, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये नीचे की तरफ लग रहा है। मान लो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना है, किसी हाइट पे लेके जाना है, मान लो यहां तक लेके जाना है, तो मुझे एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, ऊपर की तरफ। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाया जा रहा है ये कम से कम कितना होना चाहिए ताकि ये इस ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करवा पाए। mg से तो कम लगा ही नहीं सकते अपन, mg से कम लगाएंगे तो ये उठेगा ही नहीं। तो कम से कम अगर फोर्स की बात की जाए कि कम से कम एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए, तो वो mg के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये लिफ्ट कर पाएगा इसको। कम से कम की बात हो रही है, मतलब mg से मामूली सा ज्यादा, लगभग mg के बराबर ही मानो उसको, इतना फोर्स अगर हम ऊपर की तरफ लगा देंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर है, इस कंजर्वेटिव फोर्स mg के बराबर है। यहाँ पे ये बात समझ में आई क्या? और अगर डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो इनमें रिलेशन क्या है, एफ एक्सटर्नल ऊपर की तरफ है, ये जो एफ है कंजर्वेटिव फोर्स ये नीचे की तरफ है, तो इसमें रिलेशन ये हुआ एफ एक्सटर्नल बराबर होगा माइनस ऑफ एफ के। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट बराबर है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं इसको। ठीक है, अब क्योंकि जो एक्सटर्नल वर्क किया जाता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो आप इस वर्क को कैलकुलेट कर लो, उससे अपने पास ये आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है। वर्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सटर्नल वर्क को आप लिख सकते हो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, इसका ऊपर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपने थोड़ा सा किया डी आर, तो उसमें जो वर्क आपको करना पड़ा वो हुआ एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, ये एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू किया गया वर्क है। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि जो वर्क किया जाता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ऐसे लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डीडब्ल्यू को मैंने ऐसे लिख दिया, डीओ को मैंने एनर्जेटिक रखा। अब एफ एक्सटर्नल को आप एफ से रिप्लेस कर दो, क्योंकि एफ क्या है यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एफ एक्सटर्नल को आप क्या लिख सकते हो, वहां से माइनस ऑफ एफ लिख सकते हो। तो यहां से अगर मैं इसको माइनस ऑफ एफ लिखूंगा तो माइनस एफ डॉट डी आर ये किसके बराबर आएगा, डी यू के बराबर आएगा। डी यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल।
तो ये जो रिलेशन अपने पास आया है ये है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन, यानी कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म्स में आपको पोटेंशियल एनर्जी को लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, फिर ये लिखने का तरीका है। ठीक है, मान लो कि आप पार्टिकल को, ये तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए किया गया वर्क हमने कैलकुलेट किया था और उससे पोटेंशियल एनर्जी में जो स्मॉल चेंज आया है वो हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन हो सकता है कि पार्टिकल को किसी लार्ज डिस्टेंस से हम डिस्प्लेस कर रहे हो। मान लो शुरुआत में इसकी पोजीशन थी आर वन और बाद में इसको किसी आर टू पोजिशन पे हम लेके गए, तो फिर हमें टोटल कितना वर्क करना पड़ा उसके लिए, क्योंकि जो टोटल वर्क करेंगे वही टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया अपने पास। तो एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड में, और लिमिट्स क्या लगाएंगे, इधर तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी लिमिट्स लगेंगी आर वन से आर टू, और इधर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी लिमिट्स लगेंगी यू वन से यू टू। मतलब जैसे आर वन पोजिशन पे जब ये पार्टिकल था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी मान लो यू वन, और बाद में जब ये आर टू पोजिशन पे चला गया, किसी दूसरी पोजिशन पे चला गया, तो वहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यू टू। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा U, और लिमिट्स क्या है यहाँ पे U1 से U2, DU का इंटीग्रेशन U होगा और लिमिट्स पुट करी हमने U1 से U2 इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं एज इट इज लिख रहा हूँ क्योंकि ये F आपको एक फंक्शन की फॉर्म में गिवन होगा और उसके बाद में इसको सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड करना होता है। तो ये R1 से R2 की लिमिट्स लगा दी मैंने F डॉट dr, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। और यहाँ पे ये जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ये बराबर आएगा, इधर लिख रहा हूँ इसको, U2 माइनस U1 बराबर होगा माइनस R1 से R2 की लिमिट F डॉट dr। अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है थोड़ा वो देखना, ये तो आंसर आ गया अपने पास। देखो जब भी आपको ये फाइंड करना हो कि किसी भी सिस्टम पे कुछ वर्क किया जा रहा है किसी फोर्स के थ्रू और आपको ये पता करना हो कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। फोर्स आपको दे रखा होगा कंजर्वेटिव फोर्स जो कि R के टर्म्स में होगा और वो आप यहाँ पे पुट करोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, लिमिट्स पुट करोगे, R1 R2 भी आपको दे रखा होगा, सॉल्व करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ जाएगी इससे। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी सिंपल फॉर्मूले यूज करेंगे, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि भाई एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर आती कहां से है। तो जो एक्सटर्नल वर्क किया जाता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सिस्टम के अंदर स्टोर होता है। एक सिंपल एग्जांपल और देखो, जैसे एक स्प्रिंग आपके पास है, आपके पास एक बड़ी सी स्प्रिंग है, आप उसको कंप्रेस करते हो, तो कंप्रेस करने में क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो एक्सटर्नली वर्क उसके ऊपर किया गया है, जो आपने उसको कंप्रेस करने में वर्क किया, वो उसी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। आपने देखे होंगे ना बच्चों वाली गन आती है, उसके अंदर वो एक ऊपर खींचने वाला होता है, उसको पीछे ऐसे खींचते हैं तो उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, वो ऐसे कंप्रेस हो जाती है, फिर जैसे ट्रिगर दबाते हैं तो वो खुलती है, तो उसमें जो बुलेट डाली जाती है वो आगे जाती है निकल के, देखा होगा ना। तो वो जब आप उसको पीछे खींचते हो ऐसे, तो आप क्या कर रहे हो, आप तो उसके ऊपर कुछ वर्क कर रहे हो, और वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, उस स्प्रिंग के अंदर जो उसके अंदर लगी हुई है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और जैसे आप ट्रिगर दबाते हो तो वो स्प्रिंग खुलती है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे वो जो बुलेट उसमें डाली हुई है वो आगे चली जाती है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, उसमें बहुत सारे बच्चों के खिलौने होते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो चाबी वाले खिलौने होते हैं सब में यही कॉन्सेप्ट है। चाबी भरते हो ना तो आप कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, चाबी भरने से क्या होगा, उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है स्पायरल फॉर्म में, वैसे ट्विस्ट हो जाती है, और जब आप उसको छोड़ते हो तो जब वो स्प्रिंग वापस खुलती है, क्योंकि उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उससे फिर वो गाड़ी आगे चलती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। जब भी आपको किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, मैकेनिक्स के अलावा भी कहीं भी आप बात कर लो, पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपको कैलकुलेट करनी हो किसी भी सिस्टम की, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको उस सिस्टम पे कितना वर्क किया गया है वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो वर्क आप करोगे ना वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होगा, ठीक है। अब ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, चेंज नहीं बताना, सिर्फ ये बताना कि इस हाइट पे या इस पोजीशन पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई पूछ ले भाई सीकर की दूरी कितनी है, तो जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊं कि भाई कहां से, रेफरेंस पॉइंट नहीं बताओ, तब तक आप दूरी बता सकते हो, नहीं बता सकते। अगर मैं आपको बोलूं सीकर की दूरी जयपुर से बताओ, दिल्ली से बताओ, मुंबई से बताओ, है ना, अलग अलग, तो वो एक रेफरेंस पॉइंट होगा, भाई वहां से यहाँ की दूरी बतानी है,
तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब भी आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा, और वो रेफरेंस पॉइंट हम नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी के केस में इनफाइनाइट पे अज्यूम करते हैं कि इनफाइनाइट से हम पार्टिकल को लेके आ रहे हैं या इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है ये। जैसे ग्रेविटी के केस में हम ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, मानते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट है उसको ग्राउंड लेवल से एच हाइट पे लेके गए तो ग्राउंड लेवल पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, फिर एच हाइट पे उसकी हो गई एम जी एच। ये जो आप कैलकुलेट करते हो इसमें आप रेफरेंस पॉइंट किसको मान रहे हो, ग्राउंड को मान रहे हो, इसलिए वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली हमने, जीरो। तो वो हमारे ऊपर है, कोई जरूरी नहीं ग्राउंड लेवल पे जीरो माने, हम 10 मीटर हाइट के ऊपर रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद में जो भी कैलकुलेशन होगी वो उसके रेस्पेक्ट में फिर बताई जाएगी, ठीक है, ये डिफाइन करना पड़ता है। तो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हमेशा वो क्वेश्चन में आपको रेफरेंस पॉइंट बताएगा कि इसके रेस्पेक्ट में बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो समझ जाना कि रेफरेंस पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे इनिशियली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ग्रेविटी के केस में वो ग्राउंड लेवल होता है, और अलग अलग जगह में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, ऐसे अलग अलग जगह पे मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। बाकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तब आपको कोई रेफरेंस पॉइंट चूज नहीं करना, क्योंकि सिर्फ आप डिफरेंस बता रहे हो कि पहले इतनी थी तो अब इतनी हो गई, तो उसमें आपको रेफरेंस पॉइंट चूज करना जरूरी नहीं होता है फिर, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स, कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो उस सिस्टम की, उस टू पार्टिकल सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी, यू विल बी नेगेटिव। पहला केस, अगर कोई भी दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव, रिपल्शन फोर्स लग रहा है, तो उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। रिपल्सिव फोर्स के लिए क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। सॉल्व करेंगे ना तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि एक सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो बताओ उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है या रिपल्सिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है हमेशा, सॉल्व करेंगे तो, और रिपल्सिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। और अगर कोई फोर्स ही नहीं है, तो मान लो दो पार्टिकल्स उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगी जीरो, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी कई जगह आप यूज करोगे इसको, याद रखना है। अट्रैक्टिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी, रिपल्सिव फोर्स के लिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा पार्टिकल्स के बीच में तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी जीरो, ठीक है, सिंपल। और रेफरेंस के लिए जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसिडर करनी हो किसी पॉइंट पे, तो नॉर्मली वो पॉइंट हम कहां पे कंसिडर करते हैं, इनफाइनाइट पे। बाकी आप मर्जी से कहीं भी रेफरेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हो, और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप किसी दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो, ठीक है, ये करना होता है उसके लिए। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट फिर रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। यहाँ पे इस एफ का मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स, और डी यू का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो फॉर्मूला है इसको और भी कई तरीके से हम यूज करते हैं, वो आप देखो इसमें। जैसे कई बार आपको बोलेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट करके बताओ अगर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है सिस्टम की, तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आपको दे रखा होगा और आपको फोर्स कैलकुलेट करवाएगा, तब क्या करना है, तो फोर्स को इधर रखो बाकी सब उधर ले जाओ, तो F इक्वल टू अपने पास आ जाएगा डी यू बाई डी आर, और माइनस का सिंबल भी इसके आगे लगा दो। तो ये जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको फोर्स कैलकुलेट करना हो तो पोटेंशियल एनर्जी वाले फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर। अगर आर के फंक्शन की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, जैसे यू इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस थ्री आर प्लस टू ऐसा करके एक फंक्शन दे रखा होगा, तो उसका अगर आप डिफरेंशिएशन कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, कंजर्वेटिव फोर्स मिल जाएगा, ठीक है, ये माइनस सिंबल भी लगेगा आगे, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होगा कि आपको जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो आर के टर्म्स में गिवन नहीं होगा, वो आपको एक्स वाई और जेड के टर्म्स में गिवन होगा,
जैसे u इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5z, ऐसा करके मतलब x, y और z तीनों टर्म्स आ रही होंगी उसमें, तब आपको फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, तब इसका फॉर्मूला बनेगा f इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x i के प्लस डेल u अपॉन डेल y j के प्लस डेल u अपॉन डेल z k के। ये जो सिंबल है ना, इसको डेल बोलते हैं सर। एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर या सिस्टम के ऊपर, वो इससे कैलकुलेट होगा। अच्छा, माइनस का सिंबल भी लगाना है तो वो माइनस में कॉमन लेके एक साथ बाहर लिख देता हूं। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब होगा एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाला फोर्स। अगर मैं इसे फोर्स के टर्म्स में लिखूं ना पूरा एक्स वाई जेड कंपोनेंट के टर्म में, तो ऐसे लिखना पड़ेगा एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के। और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। एफ वाई की वैल्यू क्या है, ये माइनस सबके साथ लगेगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। एफ जेड की वैल्यू क्या है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगर डिफ्रेंशिएशन ही करना है तो इसको सीधा डी यू बाई डी एक्स लिख देते। ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका मतलब होता है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। आपको जो फंक्शन दे रखा है उसमें तीनों टर्म्स हैं, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो आपको जब भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो आप y और z वाले टर्म्स को कांस्टेंट मानोगे इसमें। ये इसका मतलब होता है del u upon del x का मतलब है कि आप पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। लेकिन y और z की कोई भी टर्म आ रही है अगर फंक्शन में, उसको कांस्टेंट मान लेना। जब आप del u upon del y लिखोगे, यानी कि del u upon del y मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू y करोगे, तो आपको x और z मतलब y को छोड़ के जो दो टर्म बची ना x और z, उनको कांस्टेंट मान लेना है। और इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल z कैलकुलेट करोगे तो क्या करना है, x और y वाली जो टर्म्स हैं उनको आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, कांस्टेंट की तरह ही उनको लेके डिफरेंशिएशन करना है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से यूज करना है वहां पे, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये जो लिखा है ना du by dx, इसको हम ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है। ये जो मैंने लिखा है इसी को मैं लिख के बता रहा हूं, एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी u। ग्रेडियंट वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई भी चीज डिस्टेंस के साथ में चेंज हो रही होती है। देखो, कोई भी चीज अगर टाइम के साथ चेंज होती है तो उसके लिए वर्ड होता है रेट, रेट वर्ड यूज करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पढ़ते हैं ना अपन। रेट कब आता है वर्ड, जब कोई भी चीज टाइम के साथ में चेंज हो रही होती है। लेकिन अगर कोई भी चीज डिस्टेंस के साथ में चेंज हो रही है तो उसके लिए वर्ड होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड उसके लिए है। यहां पे du by dr का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। du by dr का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके बराबर होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा। तो ऐसे भी इसको पढ़ते हैं कई बार छोटे क्वेश्चंस में, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया जाता है कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये टर्म भी याद रखो। इसका एक और सिंबल होता है वैसे, कई बार ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, एफ इक्वल टू जो ग्रेडियंट है उसका ये सिंबल होता है ना, इसके ऊपर वैक्टर का सिंबल लगा दो, ये ग्रेडियंट का ही सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है ना इसको ग्रेडियंट ही बोलते हैं। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। तो ये तो लिखने के तरीके हैं, बाकी आपके काम जो फॉर्मूले आएंगे वो यही आएंगे, मेन चीज ये है। ये समझ में आया क्या, सिंपल एकदम। जब आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखा हो और फोर्स पूछे तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं एकदम। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ द फोर्सेस, मतलब फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा या फिर फोर्स होगा ही नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा, अगर हमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ दे रखा हो। पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में एक ग्राफ दे रखा है, मान लो कि कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस को अलोंग मूव कर रहा है और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच का ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, और ग्राफ को देख के ये बताना है कि कब जो पार्टिकल है उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, किस ड्यूरेशन में, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, किस ड्यूरेशन में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा और किस पॉइंट के ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, ये पता लगाना है ग्राफ को देख के। अब ये कैसे पता चलेगा, तो आपको बताया था मैंने कि जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स वो बराबर होता है माइनस डी यू बाई डी आर के। अब डी आर की जगह डी एक्स लिखेंगे क्योंकि ये पोजिशन और मतलब एक्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का ग्राफ है, इसलिए डी एक्स लिख दो इसकी जगह। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी और आर का फंक्शन होता तो मैं माइनस डी यू बाई डी आर लिखता इसको,
अब क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी और x का फंक्शन है ना ग्राफ, इसलिए इसको du बाई डी एक्स लिखना है, कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसको हमने लिखा f इक्वल टू माइनस du बाई डी एक्स। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको ये पता लगाना है कि जो नेचर ऑफ द फोर्स है वो कैसी है, मतलब ग्राफ को देख के। अगर आपको कोई भी x और y में ग्राफ दे रखा हो तो पहले एक बेसिक चीज आपको बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो x और y में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रखा है, सिंपल सा एक ग्राफ लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ये जो इक्वेशन है इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा, ये आएगा dy बाई डी एक्स, इधर क्या आएगा m, m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन होता है, m कांस्टेंट होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन के लिए, तो m की वैल्यू कांस्टेंट, इसलिए m की जगह m ही रखा, और इसको लिख देंगे x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में 1, और c यहां पे कांस्टेंट होता है, c का मतलब है इंटरसेप्ट, जहां पे y एक्सिस पे लाइन काटते हुए जा रही है, तो ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो बताओ dy बाय dx अपने पास क्या निकल के आया, ये तो m के बराबर आ रहा है, और m को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। यानी कि अगर कोई भी आपको ग्राफ दे रखा हो, ये आपके पूरी फिजिक्स में काम आएगी चीज, इंपॉर्टेंट है याद रखना, अगर आपको कोई भी ग्राफ दे रखा हो, चाहे एक्स और वाई में ग्राफ हो या और किसी चीज में ग्राफ हो, उस ग्राफ का जो स्लोप है वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा। जैसे अगर मैं मान लू ग्राफ किसी और चीज के बीच में बना दू, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ले लू, यहाँ पे टाइम ले लू, तो स्लोप किसके बराबर होगा, डी वी बाई डी टी के बराबर, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, वी, एक्स एक्सिस पे टी ले लिया, तो डी वी बाई डी टी लिख दो उसको, है ना। ऐसे और भी कोई ग्राफ हो सकता है, तो एक एग्जाम्पल बताया आपको। तो जब भी आप डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो हमेशा आपको ग्राफ का स्लोप मिलेगा, जिस पॉइंट के ऊपर आप ग्राफ का स्लोप फाइंड कर रहे हो उस पॉइंट के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स करने से आपको क्या मिलेगा, उस पॉइंट के ऊपर ग्राफ का स्लोप मिलेगा। ठीक है, यही चीज मैं यहां पर अप्लाई करके देखता हूं। अब ये जो ग्राफ है ये कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी और पोजिशन के बीच में ग्राफ है। y एक्सिस पे किसको लिया है, पोटेंशियल एनर्जी को, x एक्सिस पे किसको लिया है, x को लिया है पोजीशन को। तो इस ग्राफ के लिए जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर आएगा, du बाई डी एक्स के बराबर। भाई y की जगह आपको क्या लिखना है, u लिखना है, x की जगह क्या लिखना है, x लिखना है, तो du बाई डी एक्स हो गया। और याद करो du बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। यानी कि अगर आप ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लेते हो किसी भी पोजिशन पे, तो स्लोप की वैल्यू पुट करके फोर्स की वैल्यू भी बता सकते हो कि वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या जीरो आएगी, तो वो स्लोप से हम बता सकते हैं। तो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच का ग्राफ दे रखा हो, तो उस ग्राफ का अगर आप स्लोप फाइंड करोगे तो वो स्लोप किसको बताएगा, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब माइनस सिंबल का क्या मतलब है, तो माइनस के सिंबल से देख के हमको ये पता चलेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा या कैसा होगा। देखो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हमेशा नेगेटिव सिंबल से बताया जाएगा, याद रखना है। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो उसको हमेशा नेगेटिव सिंबल से बताया जाता है, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव आती है, याद रखना भी आसान है। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो उस रिपल्सिव फोर्स को हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ में बताया जाता है, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव निकल के आती है। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ के अंदर देखा जाए तो कुछ पॉइंट्स मैं मार्क करता हूं, जैसे ए से लेके बी तक इस वाले रीजन में कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पे मुझे ग्राफ का स्लोप पता करना है ताकि मैं फोर्स का नेचर बता पाऊं कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। तो क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है पहले, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और देखना है कि इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल 90 से छोटा है या बड़ा है, 90 से बड़ा एंगल है ये। तो स्लोप को फाइंड करने का एक और फॉर्मूला होता है, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। इससे भी हम अगर थीटा पता हो तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं। यहां पे क्योंकि थीटा 90 से बड़ा आ रहा है, थीटा क्या आ रहा है, 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, तो 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए अगर आप टेन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो ये नेगेटिव आएगी, माइनस में आएगी। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को मैं कुछ पी नाम दे देता हूं, पी पॉइंट के ऊपर ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ग्राफ को देख के बता रहा हूं ये चीज, ग्राफ को देख के मुझे पता चला कि पी पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं, बाकी आपको देखते ही पता चल जाएगा, अभी एक बार समझ लो इसको कि कहां पे स्लोप पॉजिटिव है, कहां पे नेगेटिव है, कहां पे जीरो है। तो पी पॉइंट के ऊपर क्योंकि इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल 90 से बड़ा है, तो इसका मतलब स्लोप क्या आएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव आएगा।
स्लो मतलब du बाई डी एक्स, ये नेगेटिव में आएगा। अगर du बाई डी एक्स नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, निकल के फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करने पे पॉजिटिव आएगी। अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब फोर्स का नेचर क्या है, रिपल्सिव, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स के लिए जो फोर्स की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये पूरा रीजन यहां से आ तक, यहां पे कहीं भी आप स्लोप फाइंड करोगे ना तो एंगल हमेशा 90 से बड़ा ही आएगा और स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा, और स्लोप नेगेटिव आ रहा है इसलिए मैं क्या बता रहा हूं कि फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी सॉल्व करने पे। तो इस रीजन में बताओ फोर्स की नेचर क्या है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, रिपल्सिव, क्योंकि फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ऐसे ही सी से लेके और ये कोई पॉइंट मान लो इस वाले रीजन में, तो यहां पे भी आप देखोगे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वही एक्स एक्सिस से उसका जो एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा बनेगा। तो सी से लेके इस पॉइंट तक इस वाले रीजन में भी क्या होगा, जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा, मतलब फोर्स की वैल्यू सॉल्व करने पे पॉजिटिव बनेगी, यानी कि फोर्स का नेचर क्या होगा, रिपल्सिव होगा। अब इसका उल्टा अगर मैं बी से सी वाले पोर्शन में देखूं, ध्यान से बी से सी वाले में मान लो ये पॉइंट ले लिया, तो यहां पे मैं जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस तरीके से तो उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या आएगा, 90 से छोटा, तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इस पर, टेन थीटा मतलब स्लोप आएगा पॉजिटिव, स्लोप अगर पॉजिटिव है मतलब डी यू बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो माइनस की वजह से फोर्स की वैल्यू आएगी नेगेटिव सिंबल के साथ में, और फोर्स की वैल्यू अगर नेगेटिव सिंबल के साथ आ रही है मतलब फोर्स का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। बस अब कोई भी ग्राफ दे दे आपको कभी भी पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में, सिर्फ ग्राफ देख के आप इजीली बता दोगे कि कहां पे फोर्स अट्रैक्टिव होगा कहां पे रिपल्सिव, जहां पे स्लोप नेगेटिव हो वहां पे रिपल्सिव होगा फोर्स, जहां पे स्लोप पॉजिटिव है वहां पे अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अच्छा जीरो भी होगा क्या कहीं पे फोर्स, जीरो भी होगा। देखो ये जो पॉइंट है ना बी पॉइंट सी पॉइंट या ये कोई पॉइंट ई मान लो ई पॉइंट, अगर इन पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस टेंजेंट को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा एकदम, यहाँ पे ड्रॉ कर लो चाहे टेंजेंट, यहाँ पे ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ड्रॉ कर लो चाहे बी पॉइंट पे, ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किए हैं इनका एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसके पैरेलल हो गया ये, और एंगल अगर जीरो है तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, मतलब स्लोप जीरो आ गया। डी यू बाई डी एक्स अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अगर फोर्स जीरो है इसका मतलब पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, कौन सी कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है ग्राफ के अंदर जहां पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो वो पॉइंट्स है बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया, यहां पे पार्टिकल होगा इक्विलिब्रियम में। तो ग्राफ को देखे आपको ये भी पूछ सकता है कि ग्राफ को देख के बताओ कि कौन से पॉइंट के ऊपर पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब उस पर फोर्स जीरो है, तो वो पॉइंट्स होते हैं ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है या टॉप वाले पॉइंट होते हैं ना, ये वाले पॉइंट्स होते हैं, बता सकते हैं इस तरीके से। तो थ्योरेटिकल टाइप की क्वेश्चन बनेंगे इस वाले पोर्शन से, जो अभी मैंने आपको समझाया ना नेचर ऑफ द फोर्स चेक करना, वो इस तरीके से चेक करना है आपको, ठीक है। देखो इसके बाद में फिर जैसे हम बात कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर चेक करनी हो पार्टिकल की तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फोर्स जीरो होना चाहिए। तो कोई भी अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन भी तीन टाइप की होती है, एक होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीन कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। अब कैसे चेक करेंगे कि कब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? तो पहले इसका मतलब समझ लो। जैसे मान लो कि ये एक बाउल है, कटोरी है और इसके अंदर एक छोटी सी बॉल को रखा हुआ है। अब इस पोजीशन से अगर मैं इस बॉल को डिस्प्लेस कर देता हूं, अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूं तो छोड़ने पे वापस से इसी पोजीशन में आ जाएगी। जब इसको डिस्प्लेस किया इधर तो इसका मोशन किधर हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। M मतलब मोशन, D मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में कर रहे हो उसके अपोजिट वो मोशन कर रही है अपने आप ही, इसका मतलब वो जो पोजीशन इस पार्टिकल की है वो इसकी स्टेबल कंडीशन है। ये बार बार इसी पोजीशन में आना चाहेगी। आप इसको डिस्प्लेस करो वापस आ जाएगी घूम के, इधर छोड़ दो वापस घूम के आ जाएगी। तो ये इसकी स्टेबल कंडीशन है, ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोली जाती है। अगर मैं इस कटोरी को उल्टा रख दूं और इसके ऊपर बॉल को रख दिया, अब की बार जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो ये नीचे गिर जाएगी, वापस इस पोजीशन पे नहीं आएगी। अभी तो रुकी हुई है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन तो है लेकिन ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबल होती तो वापस इसी पोजीशन पे आ जाते। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती ना जैसे इस कंडीशन में, तो वापस इसी पोजीशन पे बार बार आ जाती है, यहां पे नहीं आ पाएगी। एक बार डिस्प्लेस कर दिया तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में इसका मोशन होगा और पार्टिकल कभी भी घूम के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा।
तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम कंडीशन तो है लेकिन वो अनस्टेबल है, कभी भी यहां से डिस्टर्ब होकर कहीं भी जा सकता है, ये वापस घूम के यहीं आएगा, चाहे कितना ही डिस्प्लेस कर दो वापस आ जाएगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और ये क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मतलब एक टेबल के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, उसको थोड़ा सा धक्का दो वो रख के आगे चले जाएगी, आगे जाके रुक जाएगी, और थोड़ा सा धक्का दे दो और किसी डायरेक्शन में जाके कहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। अब आपको तो फंक्शन दे रखा होगा, डायग्राम नहीं दे रखा होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया, बाकी आपको कोई ना कोई आपको फंक्शन दे रखा होगा, उस फंक्शन से पता लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखा होगा कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा सिस्टम, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और कब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो उसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो तीनों में हमने इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, इसका मतलब एक कंडीशन तो कंफर्म है कि नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला जाएगा उसको। और फोर्स को हम पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट करते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या लिखा जाता है, यहां लिख रहा हूं एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स इनमें ये रिलेशन होता है। तो हमने बोला कि ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब फोर्स तो जीरो रहना चाहिए, मतलब डी यू बाई डी एक्स तीनों के लिए क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, तो तीनों के लिए डी यू बाई डी एक्स जीरो, डी यू बाई डी एक्स जीरो। जब भी इक्विलिब्रियम बोल दे तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू आर या फिर एक्स या वाई या जेड, जो भी आपको फंक्शन दे रखा होगा वो जीरो आना चाहिए, डिफरेंशिएशन पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का जीरो आना चाहिए। तो तीनों के लिए ये चीज तो कॉमन है। अब ये कैसे पता चलेगा कि स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सी है, तो हम जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे वो जीरो आना चाहिए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, ये कंफर्म हो गया। फिर एक और बार करो, एक और बार करोगे तो ये बनेगा डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ये वैल्यू आ जाए सॉल्व करने पे पॉजिटिव, क्या आ जाए, पॉजिटिव, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा ना पार्टिकल, तो ये डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव निकल के आएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। बेसिकली मैं इसमें मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, बाकी आप तो मोटे तौर पे ये बात याद रखो, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखो कि डबल डिफरेंशिएशन करने पे अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पे जो आंसर है वो आ जाए नेगेटिव तो इसका मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पे आंसर अगेन जीरो आ जाए तो इसका मतलब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। इस तरीके से चेक करना है, मतलब आपको डिफरेंशिएशन करके पता लगाना है। आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, पूछेगा कि बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल किसी भी पॉइंट पे या किसी भी पोजीशन पे, तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे जीरो आना चाहिए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कंफर्म हो जाएगी, फिर एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जिस पॉइंट पे पूछा वो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर पॉजिटिव बन रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, नेगेटिव बन रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर वापस जीरो आ गया डबल डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट करने के बाद इसका मतलब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। बस ऐसे चेक कर लेना है, कर लेंगे ऐसे, ठीक है, आसान है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फिर पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके देखेंगे किसी भी पार्टिकल की। देखो एक चीज तो ये याद रखो कि अगर कोई भी दो पार्टिकल है जिनका मास है एम वन और एम टू, तो उस सिस्टम की भी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। मान लो इन दोनों पार्टिकल्स को आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को वैसे तो, लेकिन अभी आप याद रख सकते हो अगर कोई भी टू मास सिस्टम है तो इस सिस्टम की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। माइनस सिंबल क्यों आया, क्योंकि कोई भी दो मास हमेशा एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स के लिए आपको बताया था हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अट्रैक्टिव फोर्स अगर लग रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी उसकी, इसलिए नेगेटिव सिंबल आता है ये। तो ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हम वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में हम कम यूज करेंगे, ना के बराबरी, ये ज्यादातर यूज होता है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो एक तो फॉर्मूला ये होता है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का, हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे वर्क एनर्जी पावर वाले टॉपिक के अंदर वो होगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच,
जी मतलब एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है मान लो, यहां से किसी एच हाइट पे ले जाके रखा, तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे इस पोजीशन पे, तो आएगी एम जी एच के बराबर, ठीक है। और ये कोई ज्यादा हाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, कम हाइट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम स्मॉल जी को यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। आप आगे पढ़ोगे कि जी की वैल्यू भी चेंज होती है हाइट के साथ या डेप्थ के साथ में। अगर अर्थ के सर्फेस से आप अंदर जाओगे तो भी जी चेंज होगा, और हाइट पे जाओगे तो भी जी चेंज हो रहा होगा, लेकिन अगर ज्यादा हाइट या ज्यादा डेप्थ में नहीं गए हो तब तक इसको कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है। अगर 20 30 50 किलोमीटर की बात होगी तब तक हम इसको कांस्टेंट मानेंगे जी को, अगर ज्यादा हाइट पे जाओगे तो फिर जी कम होता जाएगा, डेप्थ के साथ भी ये कम होता जाता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे, ये याद रखना आपको। एच हाइट से किसी बॉल को गिराया तो शुरुआत में उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी, एम जी एच। तो ये फॉर्मूला उसमें यूज करना है, ये वाला यूज नहीं करना, ठीक है। ये दो फॉर्मूले याद कर लेना, उसमें से आपको ये यूज करना है, अभी तो ये आगे आएगा तो बाद में यूज करेंगे, अभी ये यूज करना है। इसके बाद में है फिर पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग फोर्स फील्ड। स्प्रिंग फोर्स फील्ड का मतलब है जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेस करते हो तो उसके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, चाहे उसको खींचो चाहे उसको कंप्रेस करो, स्प्रिंग को जब भी आप कंप्रेस या स्ट्रेस करते हो तो उसके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, अब उसको समझो। देखो जब भी आप किसी भी स्प्रिंग को खींचते हो या कंप्रेस करते हो तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जिसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, और उस रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। इस के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। जो टाइट स्प्रिंग होती है उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है, और जो लूज स्प्रिंग होती है जो इजिली खींच जाती है या कंप्रेस हो जाती है उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हमेशा कम होता है, ठीक है। तो के का मतलब है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। यहाँ पे माइनस के सिंबल का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में एक्स होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। जैसे ये स्प्रिंग पहले नॉर्मल कंडीशन में थी, अब आपने क्या किया, इसको फोर्स लगा के खींचा, तो जिस डायरेक्शन में आप इसको खींच रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स डेवलप हो रहा है। जो स्प्रिंग फोर्स है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है, ताकि वो वापस से स्प्रिंग को अपनी नेचुरल कंडीशन में ले आए। तो ये माइनस का सिंबल इसी चीज को बताता है, लेकिन जब आप फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे होंगे तब आप माइनस सिंबल को हटा भी सकते हो, कि भी कितना फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग के अंदर, तो होगा के इंटू एक्स के बराबर। माइनस सिंबल क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा किधर लेनी है, जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट। अगर खींच रहे हो स्प्रिंग को तो उसके अपोजिट इधर डेवलप होगा, अगर कंप्रेस कर रहे हो तो एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट इधर है तो उसके अपोजिट फोर्स इधर डेवलप होगा। फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लेनी है। फिर जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच कर दोगे तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो उसका फॉर्मूला है यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, आप दो फॉर्मूले याद रखो बस, इसी से सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाई ए स्प्रिंग इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। के का मतलब स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एक्स का मतलब कंप्रेशन या एक्सपांशन, कितना उसको आप खींच रहे हो या कितना उसको कंप्रेस कर रहे हो वो एक्स है अपना, आया समझ में, ठीक है। और एक्स चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, एक्स की वैल्यू जब आप यहां पे पुट करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि आप अगर नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर दोगे एक्स की तो स्क्वायर की वजह से क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग पॉजिटिव ही आएगी हमेशा, चाहे स्प्रिंग को कंप्रेस करो चाहे स्ट्रेस करो, ठीक है, आई बातें समझ में, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चंस कर सकते हैं।